गांजर की जनता को अब आगजनी की वारदातें ज्यादा कष्टदायी नहीं होंगी। इन्हें राहत देने को सेवता विधायक की पहल, अब रेउसा के करोहा में नया फायर स्टेशन बनेगा। बुधवार को एमएलए ज्ञान तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के संग नए फायर स्टेशन की आधारशिला रख दी है। नींव पूजन होते ही इलाके में काफी उत्साह दिखा। इस दौरान सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही थी। यहाँ के लोग कभी बाढ़ तो कभी आगजनी की वारदातों से जूझते हैं। बाढ़ के कहर से निजात दिलाने को गांजर इलाके में बांध बनवाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फायर स्टेशन न होने की वजह से दमकल गाड़ियों के आने में काफी वक्त लग जाता है, जिस कारण आग में उनकी गृहस्थी तबाह हो जाती थी। यहाँ की जनता को सहूलियतें देने को गर्मियों में रेउसा आवास पर फायर स्टेशन की एक गाड़ी खड़ी रहती थी, लेकिन अब फायर स्टेशन बनने पर 5 गाड़ी खड़ी रहेंगी। जैसे ही आग लगेगी तुरंत गाड़ी पहुँचेगी। 9,17,00,000 की लागत से बनने वाला यह फायर स्टेशन जल्द ही तैयार हो जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने आई इंडिया को बताया, सालों बाद हमारी सेवता विधानसभा में जी आदरणीय ज्ञान दादा के प्रयासों से जी जो अग्निशमन केंद्र की शुभारंभ हुआ है जी, इसका हम क्षेत्रवासी जो है काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं जी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे गांजर क्षेत्र में जो ये सौगात मिली है, तो गांजर क्षेत्र वालों किस चीज की, ये अग्निशमन जो केंद्र जो है जी, ये जो हुआ है ये विधायक जी को पूरा क्षेत्र धन्यवाद दे रहा है। ये बहुत अच्छा कार्य हुआ। जब आपके यहाँ आग लगती थी आपके क्षेत्र में, तो गाड़ियाँ कहाँ से आती थी? अरे फोन करो, तो फोन यहाँ आग लग जाती थी, सब जल जाता था, रात हो जाती थी, उसके बाद गाड़ियाँ आ पाती थी विश्वास से। तो आज न्यू पूजन हुआ है, आज न्यू पूजन आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ, ये क्षेत्र को बहुत अच्छा लग रहा है और ज्ञान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख अवधेश चौहान, ज्ञानेश शुक्ला, लोकेश मिश्रा, बिंद्रा गिरी, सतीश अवस्थी, ललित अवस्थी, नंदराम गौतम, राजाराम अवस्थी, बाबूराम अवस्थी, अशोक गुप्ता, कन्हैयालाल बाल्मीकि, दीपू मिश्रा, रामेन शुक्ला, महेश राजपूत आदि मौजूद रहे।